Hello friends, welcome to our channel Daily Hill Tips. Please subscribe to Daily Hill Tips and also press this bell icon so you never miss any new updates whenever we upload new videos. Friends, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लौंग खाने के फायदे। जी हाँ, जिसे जाने के बाद आप भी सोचेंगे कि इतने सारे फायदे लौंग के? जी हाँ फ्रेंड्स, लौंग का इस्तेमाल खासतौर पर खाने में भरपूर मात्रा में किया जाता है, लेकिन आपको बता दें कि लौंग सिर्फ हमारे खाने के स्वाद और साथ ही खुशबू को ही नहीं बढ़ाता है बल्कि हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। जी हाँ, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और साथ ही एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आपको सेहतमंद बनाए रखते हैं। साथ ये हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ ही आपके बालों को रूखे और बेजान होने से बचाकर आपके बालों की कंडीशनिंग भी करता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको लौंग के ऐसे ही कुछ चमत्कारी फायदों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड जान लेते हैं कि किस तरह से लौंग हमें हेल्दी रहने में हेल्प करता है। इसका सबसे पहला फायदा है, दांत दर्द को करता है कम। जी हाँ, दांत दर्द में सबसे पहला आसान व असरदार तरीका होता है लौंग या फिर लौंग का तेल, क्योंकि दोस्तों लौंग में मौजूद तत्व हमारे दांत दर्द व मसूड़ों की सूजन को कम करते हैं। इसीलिए इसके इस्तेमाल से हमें जल्दी से आराम मिलता है। इसके साथ ये इन्फेक्शन को फैलने से भी रोकता है। जी हाँ, इसके लिए आप कॉटन में थोड़ा सा लौंग का तेल लीजिए और उसे दांत में दर्द वाले स्थान पर घिसिए। इसके अलावा आप 2 लौंग पाउडर में ऑलिव ऑयल मिलाकर उस पेस्ट को अपने दांत दर्द वाले स्थान पर लगाइए। इससे भी आपको दांत दर्द में बहुत आराम महसूस होगा, इसलिए आप इस उपाय को जरूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, गर्भवती स्त्री की उल्टी रोकने के लिए लौंग का इस्तेमाल करें। जी हाँ, गर्भवती स्त्रियों की उल्टी होने पर उन्हें 1 ग्राम लौंग का पाउडर अनार के रस के साथ मिलाकर दीजिए। इसके अलावा आप गर्भवती को मिचली होने पर लौंग का पाउडर और साथ ही शहद को एक साथ मिलाकर चटाइए। इससे जी मिचलाना, उल्टी आना आदि सभी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ऐसे में आपको लौंग का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड, जो गर्भवती नहीं है उन्हें अगर उल्टी या फिर मिचली हो रही हो तो उन्हें 1 ग्लास गुनगुने पानी में कुछ बूंदें लौंग के तिल की डालकर धीरे धीरे पीना चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स, उन्हें 1 टुकड़ा लौंग का भी चूसना चाहिए, इससे उन्हें बहुत फायदा होता है। फ्रेंड्स, मुँह की दुर्गंध को दूर करता है लौंग। जी हाँ, सांस से आने वाली बदबू को लौंग के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। लौंग हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया दुर्गंध पैदा करते हैं उसे मार देता है, साथ ही इन्फेक्शन को भी दूर कर हमारे मुंह के हर हिस्से को स्वस्थ रखता है। इसके लिए आप 1 से 2 लौंग को मुंह में रखकर कुछ देर के लिए छुपाइए, दुर्गंध गायब हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, लौंग को पानी में उबालकर ठंडा कर लीजिए। अब इस पानी से दिन में 2 से 3 बार गरारे करें, इससे आपके मुँह की दुर्गंध दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, दांत के कीड़े में फायदेमंद है लौंग। जी हाँ, इसके लिए कीड़े लगे दांतों में लौंग के तेल को रुई में भिगोकर रखिए। इससे दांत के कीड़े नष्ट हो जाएंगे और साथ ही आपके दांत का दर्द भी कम हो जाएगा। दोस्तों, लौंग से जोड़ों का दर्द दूर करें। जी हाँ, लौंग का तेल जोड़ों में होने वाले दर्द को दूर करता है। इसके साथ ही मसल्स का दर्द यानी कि मसल पेन, गाठिया का दर्द भी कम करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, ओमेगा-3 एसिड व आयरन की अधिकता होती है, जिससे कि इसे लगाने से हड्डियों व जोड़ मजबूत होते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, आप लौंग के तेल में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल को मिलाकर दर्द वाली जगह पर मसाज करेंगे तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। साथ ही फ्रेंड्स, आप दिन में इसे कई बार करें, इससे आपको और भी ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए लौंग की सिकाई करें। जी हाँ, इसके लिए आप सबसे पहले लौंग को लीजिए और उसे कढ़ाई में डालकर अच्छे से भून लीजिए। उसे भुनने के बाद एक कपड़े में डालकर उसकी एक पोटली बनाइए। फ्रेंड्स, आप इस पोटली से दर्द वाली जगह की सिकाई करिए, इससे आपको बहुत फायदा होता है। फ्रेंड्स, क्या आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप लौंग का इस्तेमाल करें। जी हाँ, क्योंकि लौंग की खुशबू से हमारा मन शांत होता है, जिससे कि स्ट्रेस भी कम हो जाता है। इसके लिए आप लौंग के तेल की कुछ बूंदें अपने नहाने वाले पानी में डाल लीजिए। अब आराम से कुछ देर नहाइए, इससे आपको रिलैक्स फील होगा और लौंग की चाय पीकर भी आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसीलिए आप इस उपाय को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। फ्रेंड्स, क्या आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप लौंग का इस्तेमाल करें। जी हाँ, चाहे आपके सिर दर्द का कारण माइग्रेन है, सर्दी है या फिर तनाव, लौंग का तेल जल्दी से इसे छुटकारा पाने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि लौंग के तेल में दर्द से राहत दिलाने के लिए उत्तम एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों। साथ ही इसका ठंडा और सुखदायक प्रभाव यानी कि सूदिंग इफेक्ट दर्द से छुटकारा दिलाने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है।
इसके लिए आप एक रुमाल पर लौंगे तेल की कुछ बूंदें डालकर उसे अपने माथे पर 15 मिनट के लिए रख दीजिए। इससे आपके सिर की रक्त वाहिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स खुल जाएंगी और आपको सिर दर्द से राहत मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप 2 चम्मच बादाम, नारियल या फिर किसी भी तेल में लौंगे तेल की कुछ बूंदें और साथ ही 1 चम्मच समुद्री नमक यानी कि सी सॉल्ट को मिलाइए और अब इस मिश्रण को सिर दर्द होने वाले एरिया पर अप्लाई करके धीरे धीरे मसाज करिए। इससे आपको बहुत आराम महसूस होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, लौंग में मौजूद एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हमारे चेहरे में मौजूद बैक्टीरिया को मार के मुहासों को होने से रोकती हैं। इसीलिए मुहासों का इलाज करने के लिए आप एक क्लीन बाउल लीजिए और उसमें लौंग का तेल और साथ ही जुजुबा या फिर नारियल तेल मिलाकर पिंपल्स वाले एरिया पर रुई की मदद से दिन में 2 बार तक इस तेल को लगाइए और इस उपाय को करने से आपका चेहरा बेदाग हो जाएगा। इसलिए आप इस उपाय को जरूर ट्राई कीजिए। दोस्तों, लौंग के गुण है कान दर्द में लाभकारी। जी हाँ फ्रेंड्स, एनेस्थेटिक्स एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मौजूद होने की वजह से लौंग हमारे कान में दर्द और साथ ही कान में इन्फेक्शन से तत्काल राहत दिलाने में अत्यंत लाभदायक है। इसीलिए आप लौंग और साथ ही तिल के तेल को बराबर मात्रा में मिलाइए और उसे गर्म करने के लिए गैस पर चढ़ा दीजिए। फ्रेंड्स, हल्का गुनगुना हो जाने पर आप इस तेल को एक कॉटन बॉल में डुबोइए और इस कॉटन बॉल को अपने कान में रख लीजिए। ऐसा करने से कान का दर्द चुटकियों में कम हो जाएगा और साथ ही कान में हो रहे इन्फेक्शन से भी आपको जल्दी राहत मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप 1 चम्मच कुटे हुए लौंग में 1/4 गर्म जैतून का तेल मिला सकते हैं और अब इस मिश्रण को 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 30 मिनट हो जाने के बाद आप इसे छन्नी की मदद से छान लीजिए। अब इस तेल की कुछ बूंदें कम से कम 10 मिनट के लिए अपने कान में डालिए और फिर बाहर निकाल लीजिए। ऐसा करने से आपके कान में दर्द कम हो जाएगा। दोस्तों, लौंग डायबिटीज़ को करता है कंट्रोल। जी हाँ, आयुर्वेद में डायबिटीज़ के इलाज में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर डायबिटीज़ के रोगियों को सेहतमंद बनाए रखता है। इसीलिए अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप लौंग को अपने आहार में ज़रूर शामिल करें। इससे आप हमेशा हेल्दी एंड फिट रहोगे। फ्रेंड्स, आप 4 से 5 लौंग को 250 ग्राम पानी में कुछ देर के लिए उबालिए। 50 ग्राम पानी बाकी रह जाने पर उसे छानकर पिएंगे तो इससे गैस यानी कि एसिडिटी और साथ ही आपको पेट दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। इसीलिए आप इस उपाय को ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, लौंग को मुंह में रखकर उसका रस चूसने से खांसी खत्म होती है और साथ ही दोस्तों, जब तक मुंह में लौंग रहती हैं तब तक खांसी बंद रहती हैं। लौंग के तेल की कुछ बूंदें किसी स्वच्छ कपड़े यानी कि क्लीन कर्चीफ या फिर कपड़े पर टपकाकर उस कपड़े को बार बार सूंघने से भी सर्दी जुकाम की समस्या ठीक हो जाती हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इससे आपकी नाक भी बंद नहीं होती हैं और अगर बंद है तो आपकी नाक खुल जाती हैं। दोस्तों, 4 से 5 लौंग को पानी के साथ पीसकर इसे 100 ग्राम पानी में मिलाकर छानकर मिश्री मिलाकर पीने से हृदय की जलन यानी कि हार्ट बर्न होने की प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। साथ ही पेट में जलन होना भी बंद हो जाता है। फ्रेंड्स, लौंग के तेल को किसी जहरीले कीड़े के काटने वाले जगह पर या फिर किसी वजह से शरीर के किसी भी हिस्से पर कट लग जाने पर, घाव पर और साथ ही फंगल इन्फेक्शन पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। फ्रेंड्स, लौंग को बकरी के दूध में घिसकर आंखों में काजल की तरह लगाने से रतौंधी रोग यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस ठीक हो जाता है। अगर आपके मुंह में छाले यानी कि अगर आपको माउथ अल्सर की प्रॉब्लम हो गई हो तो ऐसे में आप 2 लौंग को हल्का भुनकर मुंह में रखिए, लार बाहर थूकते रहिए। इससे माउथ अल्सर की प्रॉब्लम में आपको बहुत फ़ायदा होता है। सर्दी जुकाम और बुखार हो जाने पर आप 2 लौंग और साथ ही 4 से 5 तुलसी के पत्ते 1 कप पानी में उबालकर शहद मिलाकर पिए। इससे बुखार बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, गला साफ करने के लिए लौंग बहुत ही फायदेमंद है। ऐसे में आपको रोजाना 1 लौंग खाना है। इससे आपका गला साफ हो जाएगा जिससे कि आपकी आवाज़ भी साफ हो जाएगी। दोस्तों, गर्दन में दर्द होने पर आप 2 लौंग को पीसकर 1 कटोरी सरसों के तेल में मिलाकर हल्के हाथों से अपने गर्दन पर मालिश करें। इससे गर्दन का दर्द छूमंतर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पेट में कीड़े हो गए हो तो ऐसे में आप 2 लौंग को पीसकर 1 चम्मच शहद के साथ इसे लीजिए। कुछ दिन लगातार इस उपाय को करने से आपके पेट के सभी कीड़े समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, लौंग के इस्तेमाल से बनी हुई चाय से बालों को बहुत फ़ायदा होता है। जी हाँ, लौंग की चाय को बाल कलर करने और साथ ही शैम्पू करने के बाद लगाना चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, याद रखिए, आपको इस चाय को ठंडा करने के बाद ही अपने बालों पर इस्तेमाल करना चाहिए। यह आपके बालों को सुंदर बनाने में बहुत ही कारगर है। इससे आप
आपके बालों में बहुत ज्यादा चमक आ जाएगी। फ्रेंड्स, आप लौंग का इस्तेमाल करके रूखे बालों के लिए कंडीशनर भी बना सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके बाल जल्दी जल्दी उलझ जाते हो तो लौंग से बना कंडीशनर आपके लिए बहुत ही सरदार है। तो चलिए जानते हैं आपको किस तरह से बनाना है लौंग से बना हुआ कंडीशनर। फ्रेंड्स, इसके लिए आप 2 चम्मच पीसी भी लौंग और 1/2 कप ऑलिव ऑयल को मिक्स करिए और इसे धीमी आंच पर गर्म करिए। लेकिन हाँ, याद रखिए, आपको इस मिक्सचर को उबालना नहीं है, बस आपको इसे धीमी आंच पर ही पकाना है। अब इस मिक्सचर को आंच से उतारकर ठंडा कर दीजिए। अब इसे छान लीजिए और किसी शीशी में पैक करके रख लीजिए। फ्रेंड, जब भी आप शैम्पू करने जाते हैं, इस कंडीशनर का थोड़ा हिस्सा अपनी हथेलियों के बीच में लीजिए और अपनी सिर की त्वचा पर लगा लीजिए और अब इसे 25 मिनट तक लगा रहने दीजिए और फिर अपने बालों को शैम्पू से धो लीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और साथ ही आपके रूखे बालों की प्रॉब्लम भी समाप्त हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप दमा या फिर श्वास रोग यानी कि आस्थमा की प्रॉब्लम होने पर आप 2 लौंग को 150 मिलीलीटर पानी में उबालिए और इस पानी को थोड़ी सी मात्रा में पिएं। इससे आस्थमा और श्वास की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आस्थमा की प्रॉब्लम होने पर आपको मुंह में लगातार लौंग रखकर चूसना चाहिए। इससे दमा का रोग दूर हो जाता है। फ्रेंड्स, पानी की प्यास अधिक लगने पर आप 2 ग्लास उबलते पानी में 3 लौंग को डालकर इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही उबालिए और फिर से ठंडा करके आप इसे पी जाइए। इससे प्यास कम हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको भूख नहीं लगती है तो ऐसे में आपके लिए लौंग बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि लौंग खाने से आपको भूख लगने लगेगी। इसके लिए आपको रोजाना शहद में 1 लौंग को मिलाकर सुबह खाली पेट खाना है। इससे आपकी भूख खुल जाएगी। फ्रेंड्स, गले की सूजन होने पर आप 1 चम्मच गेहूं के आटे का छोकर और 1 चम्मच सेंधा नमक और साथ ही 2 लौंग को पानी में चाय की तरह उबालकर और इसे छानकर पिए। इससे गले की सूजन ठीक हो जाएगी। सो फ्रेंड, देखा आपने लौंग के कितने सारे फायदे हैं जो कि हमें हमेशा हेल्दी एंड फिट रहने में हेल्प करता है। जी हाँ, इसीलिए आप भी लौंग का इस्तेमाल करें और अपने आप को हेल्दी एंड फिट बनाएं। If you like this video, give a thumbs up, comment us in the comment box and make sure to subscribe to Daily Health Tips. Friends, I will be back again with more new interesting topics. Till then, take care, enjoy and keep watching our upcoming videos. Thanks for watching. Bye.